सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नियो ने यहाँ पर रिप्लाई दिया क्या वो ई स्पोर्ट्स में कमबैक करने वाले हैं, कुछ चीज़ें हैं, फिर आरू जब स्ट्रीम कर रहे थे वहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे कि जोनाथन के टॉक्सिक फैंस हैं, उनको हेट मिलता है, कुछ चीज़ें वो रिप्लाई देते हैं सुनाऊंगा, और हंटर से पूछा जाता है कि क्या अगर गॉडलाइक से ऑफर आएगा तो वो ज्वाइन करेंगे, बताता हूँ आगे। फिर यहाँ पे ब्लाइंड के हैकर्स के बारे में कुछ यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है, उनका अकाउंट बैन हुआ है, और थकबा के बारे में। पहले स्टार्ट करते हैं ब्लाइंड से। तो कल जब स्ट्रेकॉर्ड स्ट्रीम कर रहे थे वहाँ पे वो बताते हैं कि ब्लाइंड का एक प्लेयर है नोवा, उनका अकाउंट बैन हो गया है। अब जब मैंने चेक किया तो अभी जो अकाउंट है वो तो बैन नहीं हुआ है, लेकिन मुझे एक अकाउंट मिला, देख सकते हो GLT नोवा इसका नेम है, ये अकाउंट बैन पड़ा है। 74 लेवल का अकाउंट है भाई, बहुत पुराना अकाउंट था, और इसमें यहाँ पे टीयर रीसेट है, मतलब 10 साल का बैन पड़ा होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे ब्लाइंड नोवा का और ये अकाउंट तो अलग अलग बंदा का हो सकता है। सो मैंने चेक किया इनका प्रोफाइल, देख सकते हो यहाँ पे इन्हीं का प्रोफाइल में लिखा हुआ है नीचे BGMI नोवा 21 रोड टू 1K सब्स, मतलब इनका यूट्यूब चैनल का नेम। और अभी ब्लाइंड नोवा का चैनल चेक करोगे तो ब्लाइंड नोवा 21 बस ब्लाइंड लगा दिए है, और सारा वीडियोस डिलीट हो चुका है, पुराना वीडियोस, सिर्फ 4 वीडियोस है चैनल पे, और 1K सब्स अभी तक नहीं हुआ है। तो भाई ये तो कंफर्म कर दे कि ये इन्हीं का चैनल है। और जब मैंने इनका इंस्टा चेक किया तो यहाँ पे ये स्टोरी लगाया है, दिस इज माय ओनली अकाउंट आई प्ले विथ, तो अभी जो करंट अकाउंट है, और नीचे लिखे है और कोई भी अकाउंट मेरे नेम से हो फेक है। तो यहाँ पे तो ये डिनाई कर रहे हैं इनका कोई और अकाउंट नहीं है, लेकिन मैंने जो दिखाया जो GLT नोवा अकाउंट बैन हुआ है उसमें लिखा हुआ है इन्हीं का चैनल का नेम। तो भाई यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि ये उन्हीं का अकाउंट था और अभी यहाँ पे छिपा रहे। और ये जो लाइनअप है ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स का, जो यहाँ पे ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम, वहाँ से लाइनअप का पोस्टर भी रिमूव हो चुका है। तो भाई मतलब समझ नहीं आ रहा कि पोस्टर ही नहीं है और ये लोग ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स की पार्ट है। और ये जो टीम था ये BGIS खेले थे इस साल, गैलेक्सी को ये टीम था उस नेम से खेले थे, और उसमें परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, सेमीफाइनल्स तक पहुँचे थे, शायद कुछ लोगों को याद होगा। अब देखते हैं भाई यहाँ पे क्या सीन रहेगा, मतलब कुछ और प्रूफ्स आता है या नहीं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं थक भाई के बारे में, वो अपने ब्रॉडकास्ट में शेयर करते हैं, अब जो सपना देख रहा हूँ उस SA12 को लेके, वो शायद कई महीनों तक सोने ना दे, फेलियर या सक्सेस तो पता नहीं, पर फुल एक्सेलरेट करके कोशिश करेंगे। तो मॉडल लिखते हैं लेट्स गो, तेरा सपना मेरा सपना। तो कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट, कुछ यहाँ पे काम कर रहे हैं, मे बी कोलैबोरेशन टाइप हो सकता है, या जो गोल्डी भाई बोलते हैं इंटरनेशनल चीज़ें। सो देखते हैं यहाँ पे भाई, आप लोगों को क्या लगता है क्या हो सकता है कमेंट में बताना। अभी नेक्स्ट बात करते हैं नियो के बारे में। तो कल जब वो स्ट्रीम कर रहे थे वहाँ पे वो स्क्रीम्स प्रैक्टिस कर रहे थे, सो कुछ लोग बोल रहे थे कि ई स्पोर्ट्स में कमबैक करने के लिए, वापस से ई स्पोर्ट्स खेलने के लिए, तो पहले तो वो बताते हैं कि उनको परमिशन चाहिए, मतलब एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बताते कहाँ से परमिशन चाहिए, बट वो ऐसा बोल रहे थे। फिर बाद में बोलते कि यहाँ पे वो सोचे ई स्पोर्ट्स में कमबैक करने के लिए, साथ में उनके पेरेंट्स ने भी बोला है कि ई स्पोर्ट्स में वापस से ट्राई करने, और फिर वो घातक भाई से भी बात की है, मतलब वो लोग का बातचीत होता रहता है। सो घातक भाई से यहाँ पे वो बोले है कि कोई अगर प्लेयर मिलता है जो टीम बनाना चाहता है यंग टैलेंट्स, तो वो उनको खोज के दे, जैसे यहाँ पे ट्राइडेंट स्क्रीन्स में कोई प्रैक्टिस कर रहा हो या कहीं पे भी, और नियो यहाँ पे आइजरिंग करना चाहते हैं। सो यस, वो ई-स्पोर्ट्स में कमबैक करने का सोचे तो है, अब देखते हैं यहाँ पे कब वो ट्राई करेंगे, और क्या परमिशन का सीन है वो अभी तक रिवील तो नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हंटर्स के बारे में। तो कल जो कुछ स्ट्रीम कर रहे थे वहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे थे अगर उनको गॉडलाइक से ऑफर आता है तो क्या वो ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने बोला कि अगर ऑफर आता है तो सोचेंगे, बट अभी के लिए यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, अभी तो BMPS खेल रहे हैं, BMPS तक तो कुछ भी नहीं सोचे हैं। और उनका कॉन्ट्रैक्ट है आपको पता होगा, जो कि शायद जनवरी या फरवरी चलने वाला है भाई, मतलब अभी बहुत दिन है, बहुत महीना है, तो अभी के लिए भाई कोई चेंज नहीं है। और आपको पता होगा जो यहाँ पे वो सोल में ज्वाइन करने वाले थे, जो यहाँ पे 22 लाख आई थिंक डिमांड कर दिए थे RG के ओनर ने, तो इसीलिए भाई यहाँ पे चेंजेस तो नहीं होगा, BMPS के बाद भी कुछ फिक्स नहीं है। और भाई मैं तो बोलूँगा कि अभी यहाँ पे कोई चेंजेस ना ही हो बेटर रहेगा, क्योंकि भाई देखो गॉडलाइक में भी कुछ चेंजेस हुआ ही है, पंक आइजरिंग कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस आएगा। अब पंक ने बोला था कि जो भी यहाँ पे टीम डिसीजन होगा वो उन पे छोड़ देने, वो खुद यहाँ पे डिसाइड करेंगे, और भरोसा रखो सब कुछ यहाँ पे सही जाएगा। तो अभी तो भाई यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, BMPS चल रहा है, उसके बाद भी कुछ भी कन्फर्म नहीं है कौन कहाँ जाएगा, क्या चेंज होगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आरू के बारे में। तो कल जब वो स्ट्रीम कर रहे थे वहाँ पे वो बात करते हैं जोनाथन को जो हेट मिलता है, और कुछ लोग बोल रहे थे जोनाथन के टॉक्सिक फैंस हैं, तो सुन सकते उन्होंने क्या रिप्लाई दिया। आजकल लोग जॉनी को इतना ट्रोल क्यों कर रहे हैं, भूल गए UMP AKM मेटा में उसका अचीवमेंट। देखो जोनाथन को पता नहीं क्यों लोग ट्रोल करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब आज भी एम बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल है जॉनी का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंट्रोल उसका अपने फोन के ऊपर, जायरों के ऊपर। एंड DBS भी ऐसा नहीं है कि वो DBS चोक कर रहा है, फिर वही मेटा में अच्छा खेलता था, अच्छा खेल रहा है, कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहा है। जोनाथन को इतना हेट क्यों करते हैं, वही जो चीज़ बताई थी यार मैंने कि इतना बड़ा फैन बेस है उसका, अब उसमें से 2-5% लोग तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होंगे ना, ऑब्वियसली समझ रहे हो, इतना बड़ा फैन बेस उतना प्रोपोर्शन बढ़ता जाता है टॉक्सिसिटी का। ऐसे थोड़ी कि सारे फैंस खराब है यार, बहुत सारे ऐसे गॉडल फैंस भी हैं जो सोल को भी सपोर्ट करते हैं, या तो सपोर्ट नहीं करते एटलीस्ट हेट नहीं करते, समझ रहे हो, और अगर वो लोग ट्रॉफी जीते तो अप्रिशिएट करते हैं उनको, वो एक्चुअल फैंस होते हैं। तो पहले तो वो गेम के बारे में बात की, जोनाथन का गेम अभी भी अच्छा है, और जो यहाँ पे हेट मिलता है तो वो बताते हैं जितना ज़्यादा यहाँ पे फैंस होंगे उसमें यहाँ पे टॉक्सिसिटी भी वैसा ही होता है, वैसा ही बढ़ता है, तो ये तो आपको पता ही है।
और सारे फैंस सभी हमेशा हेट नहीं देते, बहुत सारे लॉयल फैंस हैं जो सबको सपोर्ट करते हैं और हेट नहीं देते किसी भी टीम को। सो वैसे ही बनो यार। एंड फिर साथ में कुछ लोग पूछ रहे थे जेली के बारे में, क्या उनका परफॉर्मेंस रहा, उनको न्यू टीम बनाना चाहिए। तो उस चीज़ में यहाँ पे अरुण ने बोला कि जेली को यहाँ पे उनका आइसोलिंग बहुत ही बढ़िया है, बस यहाँ पे उनको एग्जीक्यूशन और टीम चाहिए उनको कि यहाँ पे चारों प्लेयर एंड कोऑर्डिनेशन के साथ अगर खेलेंगे तो परफॉर्मेंस आएगा। सो अब देखते हैं, यहाँ पे जेली तो अभी गॉड लाइक में ही है और मे बी यहाँ पे वो टीम बना सकते हैं फ्यूचर में। और फिर कुछ दिन पहले निंजा जब स्ट्रीम कर रहे थे वहाँ पे कुछ लोग हेट दे रहे थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हो, किल्स नहीं निकल रहा है। तो निंजा बताते हैं कि यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, अभी यहाँ पे टीम फॉर्म हुआ है, बस कुछ दिन दे दो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, बस वेट करो। और ऑब्वियसली भाई यहाँ पे निंजा भी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किए आई क्यू सोल में, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है सिंक बनाने में, सिनर्जी बनाने में। और चारों प्लेयर भाई ऐसा नहीं कि भाई चारों प्लेयर मारेंगे, कोई ना कोई प्लेयर मारेगा, कोई ना कोई प्लेयर किसी मैच में नहीं मार पाएगा। तो भाई सपोर्ट बनाए रखो हर एक टीम को और थोड़ा वेट करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।